एक ड्रम स्टिक को मैंने रहने दिया था आपको दिखाने के लिए। ये मैंने छुरी ली है, हम इस तरीके से लंबाई में इस तरीके से इनको कट्स लगाएंगे। ये आप देखिए, हाथ को बचाते हुए एहतियात के साथ इस तरीके से हमने इनको कट्स लगाए हैं। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने तमाम ड्रम स्टिक्स को कट्स लगा के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगा मसाला, चिकन टिक्का मसाला। ये बाज़ार से हमने लिया है चिकन टिक्का मसाला, एक बॉक्स एक पैकेट इसके अंदर होता है, तो एक पूरा पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे। मसाला हमने ऐड कर दिया। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक की भी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून घी के, ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। अब हम इनको अच्छे से मसाले को ड्रम स्टिक पे मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मसाला आपने अच्छे से मैरिनेट करना है। ये आप देखिए, इस तरीके से जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर अच्छे से मसाला मैरिनेट होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो मसाला था बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब हम मैरिनेट करके इन ड्रम स्टिक्स को 2 घंटे के लिए रख देंगे और 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह इनका बारबेक्यू करेंगे। तो 2 घंटे के बाद आपसे होती है मुलाकात। 2 घंटे गुजर चुके हैं व्यूअर्स, अब आप माशाल्लाह से ये देख रहे हैं, हमने ये अंगीठी है इसमें हमने कोयले रखे हैं और कुछ कोयले जो है ना हमने बर्नर पे जला के तो इस तरह यहाँ पे रख दिए हैं बाकी कोयलों के साथ। अब हम इनको जलाएंगे अच्छे से, इनको दहकाएंगे कि अभी अच्छी तरह से दहक जाएंगे, तो उसके बाद हम बारबेक्यू शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोयले हमारे माशाल्लाह से अच्छे से जल चुके हैं। अब हम अपने ड्रम स्टिक्स को बारबेक्यू के लिए सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने, ये देखिए मेरे पास ये ग्रिल जाली है, ठीक है। अब हम अपना चिकन ड्रम स्टिक जो है हम इसमें सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक पीस को उठाते जाएंगे और इस तरीके से हम इसमें सेट करते जाएंगे। जी, हमने ड्रम स्टिक्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको हम लॉक करेंगे और अब इनको हम कोयलों पे रखते हैं। ये देखिए जी, हमने ड्रम स्टिक्स जो हैं वो अब कोयलों पे रख दी हैं। अब तकरीबन हम इनको 12 से 15 मिनट दोनों साइड से अच्छे से इनको कोयलों पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड से, अब हम इसको पलट देंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बारबेक्यू हो रहा है हमारा। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ड्रम स्टिक्स हमारी नियर टू रेडी हैं। एक दफ़ा इसको पलटेंगे फिर। ये देखिए, हमने 2-2, 3-3 मिनट वक्फे के साथ इसको पलट दिया था ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत प्यारा कलर आ चुका है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस अब हम 1 से 2 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ड्रम स्टिक्स हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इनको कोयले से उतार लिया है। अब हम इनको करेंगे सर्व। ये ग्रिल को मैंने ओपन किया और अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी ये जूसी बनी है माशाल्लाह से, ये आपके सामने। अब हम इनको करेंगे सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म की ड्रम स्टिक हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये इस तरीके से बनती हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ड्रमस्टिक की रेसिपी पसंद करेंगे और वीडियो को पसंद कर लें तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए, अब इसके साथ हमने हरे पुदीने की दही के साथ चटनी बना के रख ली है, अब हमने इसको सर्व कर दिया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होंगी खाने में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।